बंगाल में जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है वो इतना हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज एज अ वुमन एज अ डॉक्टर आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि जब बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो उसके पीछे सालों की मेहनत होती है पेरेंट्स की। तो शायद सिस्टम में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जो लोगों का ध्यान रखते हैं उनके खुद का ध्यान रखने वाले कोई नहीं है। वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर तो बन जाते हो लेकिन आपके साथ पूरी फैमिली डॉक्टर बनती है, बिकॉज आपको डॉक्टर बनाने के लिए पूरी फैमिली की कायनात लगी है आपको डॉक्टर बनाने। कितना जरूरी है डेंटल चेकअप जब आप एब्रोड जाते हो? यहाँ से जाते पहले डेंटल चेकअप मस्ट है, बिकॉज वहाँ पे एक तो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगे हैं और उस टाइम पे उनको वैसे भी फाइनेंशियल क्रंच होता है। तो यहाँ से जाने के पहले अगर आप डेंटल चेकअप करवा रहे हो तो अर्ली स्टेज पे आपके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। एब्रोड के अंदर डेंटल चेकअप का और डेंटल की कोई भी डिसीज होगी ना तो इट्स कॉस्ट यू लाइक अ हेल, आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और मैंने देखा है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं, अंबानी जी के वहाँ पे वेडिंग हुई और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और स्माइल मेकओवर उसके अंदर मैंने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए। तो ये है क्या, मेरे को वो पता नहीं। अभी क्या है कि इतने हाई रिजोल्यूशन कैमरास हैं और लोग कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग टाइम। तो जितने भी हम हॉलीवुड स्माइल्स बॉलीवुड स्माइल्स हम देख रहे हैं ये सारे स्माइल मेकओवर्स ही हैं। तो हमने तो बहुत सारी बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, फिर डेंटिस्ट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि हाउ much money you can make after doing a dentist in India. तो अगर revenue की बात करें तो आराम से आप 30-40 lakhs का monthly turnover कर सकते हैं। 30-40 lakhs per month? Yes. तो पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि what is the life of dentist? Means like you need to tackle with the parents, you are also maybe you need to take care of your kids as well, maybe your family member. तो एक dentist की life कैसी होती है? तो सबसे पहले तो डेंटल एजुकेशन की अगर बात करें तो 5 साल की एजुकेशन होती है जो ग्रेजुएशन है, जिसमें 4 साल की पढ़ाई प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। yes. फिर अगर आपको सेम ईयर में आपने एंट्रेंस क्लियर कर ली तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। सम डेंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू ओपन देयर ओन प्रैक्टिस या दे ज्वाइन सम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। तो डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है। ओके okay. तो अगर आपको क्लिनिकल साइड इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट साइड भी लोग जाते हैं, पेशेंट एक्विजिशन में, मार्केटिंग में, क्योंकि बहुत सारे डेंटल चेन ऑफ हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स भी आ रहे हैं। okay. तो ऐसे भी लोगों के इंटरेस्ट बनते हैं आफ्टर दे परस्यू देयर ग्रेजुएशन इन बीडीएस। okay. अगर लाइफ की बात करें तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लाइफ होती है, बिकॉज अभी डेंटल अवेयरनेस एक तो बहुत ज्यादा yes. बन रही है। yes. डेंटल में अपॉर्चुनिटी इन इंडिया या अब्रॉड सब जगह अपॉर्चुनिटी अच्छी है। hmm. और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल डॉक्टर्स हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड नॉट हैव अ मेडिकल इमरजेंसी ब्रांच, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। तो कैन यू टेल मी अबाउट लाइक नॉन मेडिकल थिंग, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग अबाउट कि नॉन मेडिकल फील्ड में बीडीएस करने के बाद नॉन मेडिकल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉन क्लिनिकल, यस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्लिनिकल माने जिसमें हम पेशेंट के ऊपर कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसकी हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। ओके। अभी नॉन क्लिनिकल साइड में एक तो मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल्स हो गया, या फिर बहुत सारे ओरल हेल्थ केयर ब्रांड्स भी आ रहे हैं जिनको क्लिनिकल रिसर्च के लिए जरूरत पड़ती है। okay. उनके R&D के लिए, लीगल इश्यूज को मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल में जिसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है और जिसको मार्केटिंग तरफ या मैनेजमेंट तरफ जाना है, तो उसमें भी अभी काफी इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो दैट मींस जिसके पास मल्टीपल स्किल है वो तो ये डेफिनेटली एक्सप्लोर कर ही सकता है। नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम जो मैम ने आज बताया इट्स समथिंग न्यू, तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है जिसको बीडीएस करने के बाद लग रहा है कि यू आर गुड एट द सेल्स और मे बी मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस फील्ड, दिस इज द अमेजिंग फील्ड आई कैन से। जैसे R&D में भी अगर कोई जा सकता है, ऑल्सो फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी इज वेरी अपकमिंग इन गुजरात एंड पैन इंडिया नाउ, बिकॉज उसमें लिप्स और दांत के इम्प्रेशन से फोरेंसिक्स में भी उसका काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांचेस दैट स्टूडेंट्स कैन परस्यू आफ्टर दे डू देयर बीबीएस। ओके, ग्रेट। इट्स एन MSc कोर्स है वो। ओके, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर फोरेंसिक साइड में किसी को इंटरेस्ट है तो। ओके, तो मैम सब लोग बोलते हैं कि बीडीएस करने के बाद मास्टर करना पड़ता है, तो मास्टर के अंदर ऐसी कौन सी फील्ड है, एज यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो कौन सी फील्ड स्टूडेंट को करनी चाहिए जो फ्यूचर के अंदर उसको अर्निंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा दे? बिकॉज अब तो सबको पता है कि मेडिकल इज लिटिल बिट कॉस्टली इन इंडिया, तो डेंटिस्ट करने के बाद दे हैव टू डू सम मास्टर डिग्री एज वेल, और मास्टर करना है। तो लेकिन कौन सी फील्ड में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, की जिसका आफ्टर 2 years 3 years जिसकी डिमांड आने वाली है? yes. तो आफ्टर बीडीएस मास्टर्स में भी काफी ऐसे
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं। ओके तो उसमें अभी आपने देखा होगा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अभी बहुत ज्यादा बूम ले रहा है। हाँ, मींस आई सीन सम ऑनलाइन, आई डिड सम ऑनलाइन रिसर्च, तो उसमें कुछ था कॉस्मेटिक। यस, बिकॉज सोशल मीडिया पे अभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर लुक्स, जैसे अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे बाल कटवाना, सो इट्स सिमिलर टू लाइक स्किन ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अभी एक बहुत अच्छा मोड ले रहा है डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए। आई बिलीव दिस इज द बेस्ट डेकेड दैट द स्टूडेंट्स आर इन, बिकॉज बहुत सारे लैब सपोर्ट अच्छे मिल रहे हैं और डेंटल मटेरियल्स, R&D, रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री, लेजर डेंटिस्ट्री जो बहुत ज्यादा इन्वेसिव नहीं है, डिजिटल डेंटिस्ट्री, तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का बहुत अच्छा एक अभी ट्रेंड चला है और इट्स रियली गोइंग वेल। तो इंडिया में वो मास्टर डिग्री में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड हो जाता है, स्पेशलाइजेशन इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो मैम आप बताओ कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मींस करोड़ रुपए कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? सो इट विल डिपेंड ऑन व्हिच एरिया आर यू प्रैक्टिसिंग इन, आपकी लोकैलिटी कौन सी है, आपकी थ्री टियर फर्स्ट ईयर सिटी कौन सी है, और आपका ध्यान किस क्षेत्र में बन रहा है। और अपॉर्चुनिटी तो हर एक फील्ड में अच्छी है, बस आपको अपने पेशेंस से अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, मेहनत करनी है, एंड आई थिंक दैट विल शेप योर फ्यूचर। पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया में अगर अच्छी जगह पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से 30-40 lakhs का आप टर्नओवर मंथली कर सकते हैं। वाव, तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो लाइक स्टूडेंट जो भी BDS कर रहे हैं उनको स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ना है तो मैम की एडवाइस दे सकते हो, कॉस्मेटिक डेंटल में आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो और ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। तो दैट्स अ थैंक यू सो मच फॉर, बट दैट कम्स विद कंडीशंस अप्लाई दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ गुड लोकैलिटी जहां पे ऑलरेडी डेंटल अवेयरनेस है। यस, लोग ऐसे हैं जो अपनी डेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप कौन सी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी स्किल्स पे कितना और अपनी टेक्नोलॉजी पे कितना एडवांसमेंट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ROI सही है। और अभी तो आई थिंक डेंटल अवेयरनेस बढ़ी है, मेंटल अवेयरनेस बढ़ी है, आई थिंक अभी बहुत लाइक एज अ जनरेशन वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ अवर सेल्फ वेरी सीरियसली। पहले नहीं लेते थे बट अभी तो सब लोग अपने आप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लाइक दे आर इन्वेस्टिंग लॉट इन डेंटल और मेंटल हेल्थ और सब जगह पे कर रहे हैं। तो आई थिंक डे बाय डे आपको क्या लग रहा है कि इंडिया का जो डेंटल अवेयरनेस जो एक मार्केट है वो बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है क्योंकि हर एक एज में अलग अलग डेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे किड्स डेंटल प्रॉब्लम्स, टीनेजर्स प्रॉब्लम्स, एडल्ट्स प्रॉब्लम्स, और जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं, तो हर एक एज में डेंटल प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल पे yes, yes, yes. तो सबको कभी ना कभी अपने दांतों के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, प्लस दांत तो इतने 32 है, तो इतनी बार आपको एक के बाद एक कुछ ना कुछ। सो मेन थिंग इज कि अगर आपको इन ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करना है, उनको डिले करना है, तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस का आप ध्यान रखो, तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कुड डू फॉर इट। तो अभी मैं मेरा खुद का प्रॉब्लम बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तब मेरे दांत, मैं आई थिंक माय टीथ इज आल्सो नॉट ऑड इवन है, मेरे को अभी पता चला कि मेरे को भी उस टाइम ब्रेसेस किया होता तो मेरे जो टीथ है वो सही हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम तो पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी मेरा जो सन है उसके लिए मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई उसका ये प्रॉब्लम है तो उसको टेक केयर करना चाहिए। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे, बिकॉज उस टाइम तो चलो ठीक थे, छोटे थे तब पता नहीं था, लेकिन अभी मैं वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो अभी जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट या डेंटल हाइजीन और डेंटल अवेयरनेस नहीं दे रहे, तो उसके लिए आप क्या बताओगे, बिकॉज ये फ्यूचर में उनको तो प्रॉब्लम करने ही वाला है। राइट नाउ आई हैव सब कपल ऑफ प्रॉब्लम्स कि मेरे को होता ही है खाने में और इस तरह, तो व्हाट यू से टू दोस पेरेंट्स? तो जैसे हम बच्चों को एज पेरेंटिंग हम बहुत कुछ सिखाते हैं, वैसे ओरल हाइजीन मेंटेनेंस वो भी एक हैबिट ही है जो पहले से लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो जैसे 2 times ब्रश करना, रिफाइंड शुगर इनटेक कम करना, उसको लिमिट करना, एसिडिक ड्रिंक्स को लिमिट करना, कोई व्यसन डेवलप ना करना, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों के अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हर एक एज में ट्रीट किया जा सकता है। जैसे आपकी एज में, मेरी एज में सबके दांत ठीक किए जा सकते हैं विद ऑल दीज एडवांसमेंट्स दैट वी हैव नाउअडेज, पर जितना हम उसको जल्दी ट्रीट करते हैं उसके प्रॉब्लम्स जो कंसीक्वेंसेस है उसको डिले कर सकते हैं। राइट ओके, तो सही है, तो मेरे पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है। सही है। अभी मैम आपको मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट को ट्रीट करते हो, मीन्स आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे लोग आपके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, राइट? तो व्हाट इज मैजिक फॉर दैट, और मीन्स उसके बारे में आप कुछ बताओ, बिकॉज मैंने देखा है कि
बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट है जो आपको आई थिंक ईयरली एक या दो बार कुछ डेंटल ट्रीटमेंट के लिए दिखाने आते हैं, तो कैन यू टेल मी मोर कि वो क्या है, किसके लिए आते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग? तो इंटरनेशनल सबसे पहले तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है, बिकॉज उनको जब चाहिए तब अपॉइंटमेंट्स मिलते नहीं है, थोड़े डिलेड मिलते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ डेंटिस्ट आर रियली लेस देयर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ डेंटिस्ट वी हैव इन इंडिया. तो सबसे पहले तो ये है. सेकेंड इज द ट्रीटमेंट्स देयर आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द क्लिनिकल चार्जेस इन इंडिया. तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है. नाउ दैट हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया पे फोकस कर फोकस रही कर रही है, है. तो ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल नंबर देखे ट्रैवलर्स का, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. हम लोग भी कोई भी होटल में जाते हैं तो वहां पे सब जगह हमें इंटरनेशनल एनआरआईज और एनआरआई वहां के टूरिज्म देखी लोग, जा रही है. टूरिज्म हमें दिख रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट जब वो यहाँ आते हैं तब उनके पास एक डेंटल चेकअप, आई चेकअप, ये सब उनके एजेंडा में होता है कि ये इतना इतना हमें करा के जाना है. सो दैट्स हाउ दे लैंड अप. और हम वर्चुअल कंसल्ट उनको प्रोवाइड करते हैं. हमारे वेबसाइट पे सारे चार्जेस इन INR इन डॉलर्स सब मेंशन है. सो वी डू अ डिटेल्ड चेकअप ऑनलाइन वर्चुअली उनके साथ करते हैं. उनको एक रफ एस्टिमेट देते हैं कि इतना टाइम आपको यहाँ रहना पड़ेगा. तो वी वो ऑल्सो वर्चुअली हो जाता है? बिकॉज मैंने वर्चुअली काफी हद ऑनलाइन तक पढ़ाई कर तो सुनी सकते थी हैं. कि वर्चुअल डेंट हाँ मींस वर्चुअल क्या होता है, मींस तो इसमें कैसे वर्चुअल होता है? कंसल्ट इज नॉट जस्ट फॉर इंटरनेशनल पेशेंट्स, वी ऑल्सो डू कंसल्ट वर्चुअली फॉर पेशेंट्स एनीवेयर इन इंडिया, अब्रॉड कहीं पे भी. तो बिफोर इवन कमिंग इन, एक बेसिक लेवल ऑफ ट्रस्ट हमारे और पेशेंट के बीच में बढ़ जाता है. उनको पता चलता है कि इतना टाइम मुझे इसमें स्पेंड करना पड़ेगा या इतनी एनर्जी मनी इतना मेरा स्पेंड होने वाला है. तो दे हैव दैट बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिफोर दे स्टेप इनटू द क्लिनिक. या तो मेरे को सो मैम आई थिंक आई वांट टू आस्क यू मोर इन दिस, बिकॉज ये कुछ नया है मेरे लिए. तो वर्चुअल में प्रोसेस कैसे होती है कि समझो कि कैन यू गिव मी लाइक कोई भी इंटरनेशनल पेशेंट है जिनको कुछ डेंटिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आपका कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मींस व्हाट विल बी द प्रोसेस? तो हमारी जो वेबसाइट है या इंस्टाग्राम है या कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं. और सॉफ्टवेयर है हमारा जहाँ पे हम पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट्स मैनेज करते हैं. फिर हम उनके पास थोड़े फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड्स, एंड दे स्माइल एंड दे सेंड अस सम पिक्चर्स, एंड देन वी कैन. और वो अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं कि जैसे उनको फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, या बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, कोई मिसिंग टीथ है, कोई किसी को स्माइल डिजाइन कराना है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ वर्चुअली कर सकते हैं. देन व्हेन दे कम हियर दे ऑलरेडी नो कि इतना टाइम मुझे यहाँ रहना है. तो हमारे अच्छा, तो लिए मीन्स भी आप उनको ऑनलाइन कंसल्टिंग में बता देते होगे ना कि आपको 10 दिन लगे या 15 दिन लगेगा, हाँ एक बेसिक आइडिया बेसिक उनको आ आइडिया हो जाता जाता है, है. बिकॉज उनको अपनी टिकट्स करानी होती है. हाँ बेसिकली यस यस कहाँ यस उनको रहना है और राइट ये सब राइट उनको तो ये प्लान तो करना बहुत होता अच्छी है. सिस्टम है फॉर ऑल द इंटरनेशनल एनआरआई के लिए. तो दिस इज अ वेरी नाइस वे कि वर्चुअल से भी हम आपकी डेंटल हेल्थ का भी आप ध्यान रख सकते यस हो. यस तो अभी मेरे को एक चीज पे बात करनी है. अभी हमने रिसेंटली देखा था ना कि एक बड़ी शादी हुई थी, उसमें हाँ एक मिस द जो अंबानी अंबानी वेडिंग. वेडिंग, यस 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 यस, तो उन्होंने स्माइल मेकओवर कराया था और उसमें आर्टिकल आया था कि उसने करोड़ों रुपए लिए. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ क्या होता है स्माइल मेकओवर, क्या होता हाँ है? तो वो तो अंबानी ने किया इसलिए बहुत फेमस हो गई है ये चीज. हाँ बाकी ये बहुत नॉर्मल लोग भी करा रहे हैं, ओके क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं, उनकी चर्चा होती है. बट अभी ब्रेसेस है, अलाइनर्स हैं, या डेंटल वीनियर्स हैं जिसको बहुत अच्छा टीथ वाइटनिंग चाहिए. सो ऑल राइट दोस राइट हॉलीवुड स्माइल्स, बॉलीवुड स्माइल्स, दे आर मेनली डन विद वीनियर्स और इनविजलाइन. ओके तो और एट एनी एज, जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स रह चुके हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमराज पे वो काम करते हैं. तो इतने ट्रांसपेरेंट वे में ये ट्रीटमेंट होता है कि एट हाई रिजोल्यूशन ऑल्सो बहुत नोटिस नहीं कर सकते हैं कि ओके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो उसके लिए मैम कुछ स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है कि कुछ स्पेशलाइज डिग्री है उसके लिए, या मिस कोई भी स्टूडेंट जो BDS किया है वो कर सकता है? तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप मास्टर्स करते हो तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है. आपको काफी ऐसे केसेस आप करते हो जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है. एंड देन व्हेन यू डू मास्टर्स देन यू ज्वाइन एन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस. किसी अच्छे मेंटर से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं. अच्छे फेलोशिप प्रोग्राम्स भी है जो तुरंत ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं. राइट राइट पर राइट कोई भी ट्रीटमेंट अंदर करने के लिए, अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको जस्टिस देने के लिए, अपनी ट्रेनिंग और अपने स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप काम करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, और राइट उससे राइट ROI भी बहुत इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जनरेट कर सकते हैं. राइट तो जो फ्रेश ग्रेजुएट है डेंटिस्ट में, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि
उन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरे को तुरंत क्लिनिक ओपन करना है, और बहुत सारे ऐसा सोच रहे हैं कि आई कैन टेक ए ट्रेनिंग अंडर सर्टेन और रेप्यूटेड डॉक्टर, उसके बाद मैं क्लिनिक शुरू करूँ। तो व्हाट्स योर लुक इन दैट, मीन्स आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत प्राइवेट प्रैक्टिस खोलना है तो लीगली यू हैव ऑल द लाइसेंसेस टू डू हाँ, दैट, यस तो यस आपको लाइसेंसिंग है आपके पास कि आप यस खोल सकते हो। बट होता क्या है कि अगर आप किसी के अच्छे शैडो में रहते हैं, कोई अच्छे मेंटर के साथ रहते हैं, काफी चीजें आप फास्ट सीख सकते हैं, आप ओके उनकी राइट गलतियों से सीख सकते हैं या फिर उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं। ओके तो वो एक जब आप बिकॉज दिस इज P2P नो, पीपल टू पीपल पीपल टू पीपल बिजनेस है, बिजनेस है, यस यस तो यस जब आप हर एक केस आपके लिए नया होने वाला है, राइट आप राइट जितना एक्सपीरियंस लेके खुद को इस फील्ड में उतारोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे बनेगा, और पेशेंट जब आप कॉन्फिडेंट हो तो क्लाइंट्स का भी आप पे कॉन्फिडेंस बन कॉन्फिडेंट जाएगा। बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। यस, तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो एज मैम एडवाइस कि आप पहले किसी अच्छे डॉक्टर के अंदर एक ट्रेनिंग लो, और उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट टू ओपन अप योर ओन क्लिनिक और समथिंग, यस बिकॉज ये अच्छा आइडिया है। बिकॉज यू कैन नॉट मेक अ मोर मिस्टेक, आप मिस्टेक इतनी बहुत नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग में हो तो यू कैन लर्न न्यू थिंग्स हाँ एंड हाँ यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एज यस वेल। यस एंड अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल थिंग्स, व्हेन यू ओपन योर ओन प्राइवेट यस प्रैक्टिस, बहुत सा इट्स लाइक ओनिंग अ बिजनेस। यस, लाइक ओनिंग अ जैसे बिजनेस, आपका ये बिजनेस है, यस आप भी जानते होंगे, जैसे आपके फील्ड में भी बहुत सारी बहुत ऐसी सारे चीजें चीजें होंगी, हैं, राइट? यस यस तो इसमें भी ऐसा है, इट्स लाइक ओनिंग योर ओन बिजनेस। तो ये करने के क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स करने के साथ साथ स्टाफ मैनेजमेंट, राइट उनका ट्रेनिंग, पेशेंट एक्विजिशन, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट इज इन्वॉल्व विद इट। राइट राइट तो आप राइट जितना एक अच्छे एस्टेब्लिश प्रैक्टिस में आप सीख सकते हैं किसी से, वो शायद आप खुद अकेले नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाओ, यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हाँ तो अभी आई हैव वन मोर क्वेश्चन मैम, कि 12th में पीसीबी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एमबीबीएस करें या डेंटल करें, तो एज अ डेंटल डेंटल प्रैक्टिशनर आप क्या सजेस्ट करें, और व्हाट इज द डिफरेंस, आप एक ब्रॉडर वे का डिफरेंस क्या है इसके अंदर? हाँ तो पहले तो अगर एमबीबीएस हम कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्टली अगर एमबीबीएस करके बाहर आते हैं और एक बीडीएस करके आप बाहर आते हैं, तो बीडीएस में थर्ड और फाइनल ईयर से पेशेंट आपको मिलने लगते हैं, आप ओके पेशेंट पे ट्रीटमेंट चालू हो जाता है फ्रॉम अच्छा द थर्ड फाइनल ईयर इटसेल्फ। ओके सो वी हैव सीन लॉट ऑफ बीडीएस आल्सो, दे ओपन देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस आफ्टर सम टाइम। वो अभी एमबीबीएस करके थोड़ा मुश्किल है जनरल प्रैक्टिस करना, तो वो एक ब्रॉडली एक डिफरेंस यस है यस कि एमबीबीएस के बाद आपको अच्छा एमएस एमडी करना है या उसके बाद आपको एमसीएच या डीएम करना है, यस यस तो वो यस एक जर्नी लंबा है, उतना आपको डेडिकेशन उसमें देना है। बीडीएस में भी है ये सब, पर राइट एज कंपेयर टू डूइंग डीएम एंड एमसीएच इट्स कंपैरेटिवली इजी कि आप बीडीएस के बाद भी अपना प्रैक्टिस खोल सकते हो, एमडीएस के बाद भी ओके खोल सकते हो, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स राइट ऑफ योर राइट डेडिकेशन। और हमने देखा है कई बार एमसीएच करते टाइम पे लोगों की शादी हो गई होती है, उनके यस बच्चे हो गए होते हैं, स्टिल दे आर इनटू रेसिडेंसी, तो रेसिडेंसी इट्स बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, नॉट जस्ट फ्रॉम योरसेल्फ बट योर एंटायर एंटायर फैमिली हुज फैमिली, एसोसिएटेड विद राइट यू राइट हैज टू गो फॉर इट। अगेन आफ्टर कमिंग इनटू प्रैक्टिस आपके इमरजेंसी आवर्स होते हैं, यस 24 आवर्स, 36 आवर्स की ड्यूटीज लगते हैं, तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, स्पेशली डिफिकल्ट, फॉर यस फीमेल डॉक्टर्स, क्योंकि इमरजेंसी फील्ड हाँ है, कभी भी आपको यस जाना है पेशेंट्स के लिए, राइट 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 तो ऐसा बिल्कुल सही बात, डेंटिस्ट्री में कम होती कम है होती है, यस इमरजेंसी। यस। तो लेट्स टॉक अबाउट कि एमबीबीएस वर्सेस डेंटल, तो एमबीबीएस में कितना टाइम लगता है, लाइक इनिशियल 5 ईयर्स, हाँ उसके बाद बहुत सारे लोग मास्टर करते ही है, और मिस इज मैंडेटरी और मिस व्हाट्स व्हाट यू से, इट्स नॉट मैंडेटरी, या बट अगर आपको, क्योंकि एमबीबीएस 5.5 साल का हाँ है, 5.5 साल का है, उसके बाद अगर आप आगे एमएस या एमडी करते तो वो 3 साल का है, ओके उसके तो आई बाद थिंक अगर साढ़े सुपर स्पेशलाइजेशन करते वाह वो भी 3 साल का है, डीएम करिए या एमसीएच अच्छा करिए, ओके उसके बाद भी कई फेलोशिप्स होती है, राइट राइट तो राइट वो राइट जो नंबर ऑफ इयर्स दैट गो इनटू हाँ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो तो इज अ 10 साल लॉन्ग हो गया, नंबर। हाँ ओके और तो वो भी अगर आपको तुरंत एडमिशन्स बीच बीच में मिल गए, तो अगर यस यस एडमिशन यस नहीं मिले गैप हैं हो तो बीच में गया, 1 साल 2 साल यस के गैप्स राइट आएंगे राइट राइट एंड राइट। देन यू गो एट। तो इफ यू टॉक अबाउट डेंटिस्ट, तो उसमें व्हाट इज द प्रोसेस, मीन्स डेंटिस्ट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम और 5 ईयर प्रोग्राम, उसमें कितना टाइम लगता है? डेंटिस्ट्री में 4+1 है, तो 5 ईयर्स ओके का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ओके उसके बाद आपको एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद 3 साल का एमडीएस प्रोग्राम है, ओके मेजर स्टडीज इज डन ड्यूरिंग दीज 8 ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन। ओके उसके बाद आप पे है कि आपको आगे कोई फेलोशिप्स करने ओके हैं, कोई कोर्सेज करने
करने हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है. और जब इंटर्नशिप होता है ग्रेजुएशन में, तब रोटेशनल इंटर्नशिप होता है. हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, उसमें थोड़े थोड़े दिन के लिए आपकी पोस्टिंग लगती है. तो इंटर्नशिप एक बहुत क्रिटिकल टाइम है जब आपको एनालाइज करना है कि आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में बन रहा है. और अगर आपने उस टाइम पे चूज कर लिया कि ओके आई एम श्योर ऑफ गोइंग अहेड विद दिस, जैसे मुझे ऑर्थोडॉन्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पहले से मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं मास्टर्स करूं तो मैं इसी फील्ड में करूंगी. तो जब आपका पैशन है और आप मेहनत करने के लिए रेडी है, तो देन यू बिकम अनस्टॉपेबल. वाओ वाओ. तो आई थिंक एमबीबीएस विल बी लाइक, इट विल टेक 10 टू 11 इयर्स, और डेंटिस्ट बनने के लिए यू नीड 5 टू 7 इयर्स. तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन सिलेक्ट द dentistry for their future for their future planning. और dentistry में आपको बहुत अच्छे से पता होगा abroad में कैसा है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में. Yes, तो abroad के अंदर तो dentist में बहुत सारी opportunity है, because India में से जो student है वो dental करके abroad जाना चाहते हैं, तो specifically सबसे पहले आता है US, उसके बाद आता है Switzerland, उसके बाद फिर Australia है, Canada है, UK, सारे जगह dentists की opportunity बहुत है, और they are making lots of money. I think highest earning dentists are from US and Switzerland. Yes, yes, yes. They are like, their minimum average salary per year will be like 120K. तो इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो करीबन 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी. 2 करोड़ से. हाँ, लेकिन जो है वो पढ़ाई है, वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे इंडिया में पढ़ाई करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है डेंटल और एमबीबीएस के अंदर, ऐसे एब्रॉड में भी आपको पढ़ाई भी करनी है, डे टू डे लाइफ भी मैनेज करनी है, और उसके बाद आपको अर्न भी करना है. तो दीज आर द 3 फैक्टर्स स्टूडेंट नीड टू टेक केयर व्हेन दे आर प्लानिंग फॉर एनी मेडिकल कोर्सेज एब्रॉड. तो जैसे आपने बताया इसका आरओआई इतना हाई है, तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होता होगा. यस मैम. तो अभी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अच्छे कोर्सेज भी ले सकते हो. और बेसिकली यूएस की बात करें तो 2 रूट है. एक है कि आप वहां पे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ करने के लिए जाओ, और उसके साथ आप लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो. वो 3 साल की प्रिपरेशन होती है. लाइसेंस एग्जाम के बाद यू कैन इजिली गेट ए जॉब, कोई भी डेंटिस्ट क्लिनिक में आपको मिल जाएगी, एंड स्टार्टिंग सैलरी विल बी वेरी हाई. और दूसरी एक होता है कि एडवांस डेंटिस्ट्री, जो एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर 800 से भी कम सीट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए. अच्छा. तो इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जितने भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं ये प्रोग्राम के अंदर, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने रिसर्च किया है कि 5,000 एप्लीकेशन आती है ऑल ओवर वर्ल्ड से फॉर दिस प्रोग्राम, उसमें से 800 लोग ही सिलेक्ट करना पड़ता है. और वो कॉस्टली है, मीन समझो ना कि पर ईयर यू नीड टू स्पेंड $18,000. तो इट्स अ वेरी कॉस्टली, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है. जैसे इंडिया में हम मेहनत करते हैं, वही मेहनत हम यूएस या कोई अब्रॉड कंट्री में करेंगे तो आपको डेफिनेटली पैसा ज्यादा ही कमाने को मिलेगा. तो मैं एक कॉलेज में, आई हैपन टू बी अ फैकल्टी, और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन और इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत ये क्रेज होता है कि हमें अब्रॉड जाके प्रैक्टिस करनी है, आगे हमें मास्टर्स परस्यू करना है. तो क्या लगता है आपको कि गुजरात में अगर 100 बच्चे हैं जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, तो उसमें से कितने अभी इंक्लाइंड होते हैं बाहर जाने के लिए? अभी तो हमने रिसेंटली देखा है कि बीडीएस करने के बाद सडनली लास्ट 1 ईयर में ट्रेंड बहुत बढ़ गया है अब्रॉड जाने का, और स्पेसिफिकली यूएस का. बिकॉज यूएस में हम देख रहे हैं कि 100 बच्चे की बात करें तो आई थिंक 35 to 40 स्टूडेंट्स वो उसको अब्रॉड का प्लानिंग करना ही है. तो उसमें समझ लो कि 20 स्टूडेंट यूएस का प्लान करते हैं, 10-15 स्टूडेंट फिर कनाडा का प्लान करते हैं, फिर 5-6 स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का प्लान करते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी पॉपुलर नाउअडेज, और बिकॉज अभी अवेयरनेस बढ़ गई है और सबको लगा है कि मेहनत करने से आरओए अच्छा बनेगा. हाँ. तो दे आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड एजुकेशन. यस यस. ऐसा है. तो आपके लिए, आपको क्या लगता है कि सबसे इजीयर कंट्री कौन सा है गुजरात इसके लिए? मीन्स इजीयर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज मेडिकल इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट. हाँ. क्योंकि पहले से ही वो डिफिकल्टी है. Yes. तो समझो कि एज अ लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव, फाइनेंस प्रोस्पेक्टिव आप समझो, तो एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई भी कंट्री में लाइसेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. तो लाइक हमारे इंडिया में कैसा है कि नीट करने के बाद यू विल डिसाइड कि आपको एमबीबीएस में जाना है, डेंटल में जाना है. एब्रॉड में क्या है कि आपको 12th कंप्लीट करके बैचलर करना है. बैचलर के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लाइसेंस एग्जाम देनी है. तो इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए प्री रिक्विजिट है 12th प्लस नीट, और यूएस और अदर कंट्रीज में आपको 4 ईयर ऑफ एजुकेशन प्लस लाइसेंस एग्जाम. अच्छा. हाँ, तो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज. तो जनरली होता क्या है कि 4 ईयर डिग्री वहां पे करने के बाद यू नीड टू गिव अ लाइसेंस एग्जाम ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड. तो डेंटिस्ट की है तो एनबीडी है, तो वो एग्जाम है, नेपलेक्स है,
फिर उसके बाद फार्मासिस्ट की अलग रहती है, फिजियोथेरापी अलग रहती है, हर एक की लाइसेंस एग्जाम अलग अलग रहती है। तो अभी जैसे आपने एनबीडीई मेंशन किया, तो पहले मैंने सुना है कि एनबीडीई पार्ट वन और पार्ट टू, जैसे हमारे टाइम पे बहुत लोग यहाँ से जाते थे, yes. तो यहीं से ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो पढ़ाई करना शुरू कर देते थे, और जीआरई और वो सारी चीजें शुरू कर दी साइमल्टेनियसली, वो प्लान करते थे। तो कोई ऐसी टिप्स है जो इंटर्नशिप के टाइम पे स्टार्टिंग से वो जो भी स्टूडेंट को पहले से ही अब्रॉड जाने का प्लानिंग है ना, कि बीडीएस में एंटर होने के बाद एक साल के बाद और दो साल के बाद लग रहा है कि मेरे को अब्रॉड जाना है, तो वो पहले से ही एक प्लानिंग कर दे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ ना कि अब्रॉड के अंदर ऐसा है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है ना डेंटल का, वो भी बहुत मायने रखता है। बिकॉज हमने देखे बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग नहीं ले रहे, जो डेंटिस्ट में ट्रेनिंग आती है ना वो लेते हैं लेकिन इतनी हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग नहीं ले रहे, फिर उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लेते। दूसरी चीज है कि रिसर्च, कि हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे कि जिन्होंने कुछ रिसर्च भी नहीं किया है। डेफिनेटली मिस स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पढ़ाई में हमको टाइम, पढ़ाई से भी टाइम नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा करने का, लेकिन देखो आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है, आपको वहां पे आगे जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको रिसर्च पेपर में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट। 100% ये बहुत सही बात की आपने कि जब हम ग्रेजुएशन में हम मेडिकल में जब होते हैं तब इतना ज्यादा एकेडमिक प्रेशर, थियोरेटिकल क्लिनिकल सब होता है। तो आई हैव आल्सो सीन इन माय जर्नी, और आज हम मिले हैं तो इस बात का हम ये लेना चाहती हूँ मैं भी, कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे हम बाद में करते हैं वैसे पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी चाहिए, अपने गोल्स सेट करने चाहिए, और उस हिसाब से अगर काम करें तो उनका वो जर्नी इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यस यस, तो थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट प्लानिंग अभी वही है, स्मार्ट प्लानिंग ही करना है। बिकॉज अपने टाइम पे क्या था कि अपने को कोई गाइड करने वाला नहीं था, और ऐसे कोई सोशल मीडिया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे वहां से हम किसी का गाइडेंस ले सके। लेकिन अभी गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो जो भी स्टूडेंट्स बीडीएस के अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है उनको पहले से ही अपना प्लानिंग कर लेना चाहिए। उनको अपने समझो कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, इंटरनेशनल पेपर पब्लिकेशन है, इंटर्नशिप है, ऑनलाइन थोड़े बहुत कोर्सेज है जो आप बता सकते हो कि वो कोर्सेज भी करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। Correct. तो उनको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी स्टूडेंट एब्रॉड जाके डेंटिस्ट्री करना चाहता है ना, उनको टॉफेल एग्जाम ही देनी है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि टॉफेल इज वैलिड एवरीवेयर। Okay. बहुत सारे स्टूडेंट इन ऑल कंट्रीज, और लाइसेंस एग्जाम के लिए भी टॉफेल चाहिए। और IELTS से टॉफेल इजी है, कंपैरेटिव टॉफेल अभी थोड़ी इजी हो गई है। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही बोलते हैं कि IELTS ही देना है बिकॉज वी वांट टू गो अब्रॉड। हाँ, वो आप जा सकते हो, बट इट्स फॉर अनदर फील्ड, इंजीनियरिंग के लिए है, कॉमर्स के लिए है, आप IELTS भी दे सकते हो डेंटिस्ट के लिए। बट मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, तब टॉफेल विल बी द रिक्वायरमेंट। अच्छा, तो अभी से आपने टॉफेल की तैयारी कर दी है तो आपको उस टाइम इजी हो जाएगा। हाँ, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर से IELTS करते हैं, फिर वहां पे जाके पता चलता है कि यार टॉफेल करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टॉफेल के बिना आपको लाइसेंस एग्जाम में बैठ नहीं देंगे। ओके, तो अगर किसी ने IELTS दिया है तो भी टॉफेल तो उनको देनी ही पड़ेगी। 1000% उनको देना पड़ेगा, और उनका मिनिमम स्कोर भी है, उनको मिनिमम 98 से 100 लाना ही पड़ेगा आउट ऑफ 120। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जो अमेरिका बैठे हैं, दूसरी कंट्री में बैठे हैं, वो हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले रहे हैं फॉर टॉफेल। तो इंडिया से जो भी स्टूडेंट है, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप टॉफेल करके जाओ, आप कोई भी अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मत दो, बिकॉज टॉफेल ही आपको बेनिफिट करेगा। और उसमें मिनिमम कितना स्कोर लगता है एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन? अच्छी कॉलेज के लिए, ओके, कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है 85 ओवरऑल आउट ऑफ 120, लेकिन लाइसेंस एग्जाम करने के लिए इट्स मिनिमम 98 टू 100 अप टू 120। अच्छा, हाँ, बिकॉज वहां पे क्या है कि इफ यू आर गुड एट इंग्लिश तो यू कैन टॉक वेरी गुड विद द पेशेंट, फिर आप उनके प्रॉब्लम समझ पाओगे, उनकी एक्सेंट समझ पाओगे, आप लिख अच्छी तरह से करोगे। यस, एंड आई थिंक डेंटिस्ट बहुत अच्छे से ये क्लियर भी कर लेंगे क्योंकि उनका सारा ग्रेजुएशन इंग्लिश में ही होता है। यस यस, तो काफी उनकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है। बहुत मिस, आई थिंक हमने अभी तक 20 या 25 स्टूडेंट जैसे इन लोगों को अब्रॉड भेजा है डेंटिस्ट्री के बाद, तो आई थिंक दे हैव इजीली स्कोर लाइक 100, 105, 110, बिकॉज वो उनका पहले से ही बैचलर में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, मैंने बताया ना कि IELTS का, तो आई थिंक टॉफेल विल बी द ओनली एग्जाम यू नीड टू गिव, वही है। Right. तो एब्रॉड एजुकेशन के अंदर आप समझो कि यू कैन
मेक लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन उसमें हार्ड वर्क भी है. जैसे आप, आपने भी इंडिया में समझो कि हार्ड वर्क किया है, तो इट्स सेम हार्ड वर्क विल गोस टू एब्रॉड एज वेल. तो हमने तो बहुत सारी बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, फिर डेंटिस्ट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अब सबसे बड़ी चीज है कि कितना पैसा कमाते हैं, बिकॉज सबको यही चाहिए कि डेंटिस्ट करने के बाद और लाइक आफ्टर डॉक्टर बनने के बाद हाउ मच मनी यू कैन मेक इट. तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप यू कैन गिव अस अ टेंटेटिव आंसर कि हाउ मच मनी डॉक्टर और डेंटिस्ट कैन मेक इन इंडिया. हाँ, तो आप कौन से जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत मेजर फैक्टर रहेगा इसको आंसर देने के लिए. पर अगर एक आप डेवलप्ड सिटी में जहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंटल अवेयरनेस है, वहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 20-40 लाख का मंथली टर्नओवर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अपने अपने क्लिनिक पे. अगर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस है तो अपने अपने क्लिनिक पे कितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, आपने अपने स्किल पे कितना इन्वेस्ट किया है. जैसे मैंने बताया डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं. प्लस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास प्राइवेट प्रैक्टिस से एक एडेड एडवांटेज है कि आप एकेडमिक्स ज्वाइन कर सकते हो एज अ प्रोफेसर, जो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, या आप अदर प्राइवेट क्लिनिक्स में भी अपनी कंसल्टिंग दे सकते हैं, और आप R&D में भी जा सकते हैं. तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए हो जाएगी. यस, लेकिन मैम सही बताओ, अहमदाबाद की बात करते हैं, आपने लोकेशन का बोला, तो अहमदाबाद में स्पेसिफिकली व्हाट विल बी द एनुअल नहीं लेकिन मंथली हाउ मच मनी कैन डेंटिस्ट मेक. ऑन एन एवरेज 20-40 लाख का आप मंथली रेवेन्यू, अगर आपका अच्छा खासा सेटअप किया है, बेसिक सेटअप किया है, तो भी आप 2-5 या 7 लाख का रेवेन्यू आराम से कर सकते. तो ये इसमें मैम कोई स्पेसिफिक फील्ड है जो आप बताना चाहोगे कि ये फील्ड ग्रोइंग है तो उसमें फ्यूचर अच्छा है, एंड स्टूडेंट जो भी है वो भी प्लान कर सके कि वे आपको रेवेन्यू थोड़ा बढ़ाना है और मेरे को कुछ आगे पैसा ज्यादा कमाना है तो मैं ये स्पेशलाइजेशन लूं. अगर मैं बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेकेड्स टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेंटल मटेरियल्स हैं, वारंटीड मटेरियल्स हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स, एंड बिकॉज ऑफ विच स्माइल मेकओवर एक बहुत ट्रेंडिंग डिग्री हो गई है कि आप आगे मास्टर्स करो ऑर्थोडॉन्टिक्स में, जिसमें आप ब्रेसेस कर सकते हो बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए अलाइनर्स कर सकते हो, अडल्ट्स के लिए. तो इसमें एक बहुत अच्छा है स्कोप. इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छा स्कोप है जिसमें इम्प्लांटोलॉजी का आप मास्टर्स करने के बाद, जिसको बोलते हैं MDS इन पेरियोडोंटिक्स या MD, तो सर्जिकल जो ओरल सर्जन होते हैं वो भी इम्प्लांट्स करते हैं. तो मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट परमानेंट ऑप्शंस, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा स्कोप है फॉर इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑल्सो. और प्रोस्टोडोंटिक्स जिसको बोलते हैं, जो वीनियर्स, डेंटल वीनियर्स करते हैं, जिसको डिसकलरेशन है, चिप्ड टीथ है, माइनर मिसअलाइनमेंट गैप्स हैं, तो ये सारे अभी बहुत अच्छा बूम ले रहे हैं. राइट. तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर फील्ड. आप समझ लो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री इज वेरी ब्राइट इन इंडिया एंड अब्रॉड. और इतना अच्छा मेंटरिंग, अगर आप अच्छे मेंटर्स के साथ में काम कर रहे हो, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, देयर इज यू बिकम अनस्टॉपेबल. तो आप भी इंटर्न हायर करते होगे ना? हाँ, और हमारे यहाँ पे जितने भी रेज्यूम्स आते हैं, हम बहुत अच्छे से उसका ड्यू डेलिजेंस करते हैं. अच्छा. और वी ऑलवेज प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम, जब भी आपको हाउस ऑफ ऑडोंटिक्स को विजिट करना है, यहाँ पे आके कुछ भी सीखना है, डोर्स आर ऑलवेज. वाओ, तो दैट्स अ ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द डेंटिस्ट की आपको फिर अभी तो इंटर्नशिप मिलना मुमकिन ही है. हाँ? ना मुमकिन नहीं है, तो मैम ने बोल दिया. तो मैम आपने अर्निंग का तो बताया, लेकिन आपने बताया कि एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है टू ओपन अप वन क्लिनिक? सबसे पहले तो आपको जगह लेनी पड़ेगी. आर यू लीजिंग दैट प्रॉपर्टी, रेंटेड में जा रहे हो, या आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हो? अगर आप उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हो तो मेजर कॉस्ट आपका कौन से एरिया में हो, आप कौन से फ्लोर पे क्लिनिक बना रहे हो, कितना स्क्वायर फुट है आपके एरिया पे, वो डिपेंड करेगा आपका खर्चा. उसके बाद आपको स्टाफ हायरिंग करनी पड़ेगी. एक बेसिक देखे तो एक रिसेप्शनिस्ट, एक डेंटल असिस्टेंट, जूनियर डॉक्टर और एसोसिएट डॉक्टर हु इज वर्किंग विद यू. तो और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी एक अच्छा स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव सेटअप, एक अच्छी डेंटल चेयर, एक्सरे मशीन. अगर आप और थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो फुल माउथ एक्सरे अभी बहुत मैंडेटरी हो गया है फॉर ओवरऑल डायग्नोस्टिक अप्रोच. 3D स्कैनर्स आप ऐड कर सकते हो, इम्प्लांट सिस्टम आप अपने में ऐड कर सकते हो, अच्छे लेजर्स आप ऐड कर सकते हो.
आप जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे, आपके वहां पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका कम समय में ट्रीटमेंट हो जाएगा, विच विल रिड्यूस एंड यूजर कॉस्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस अपॉइंटमेंट टाइम एंड नंबर ऑफ सिटिंग्स। तो अभी जो पेशेंट है, जो एजुकेटेड है, वो इन सब चीजों को बहुत मायने देते हैं, देते हैं, क्योंकि अभी यस यस, सबकी लाइफ बहुत राइट राइट बिजी राइट, हो गई है, सही तो है, दे ऑलवेज प्रिफर क्लिनिक्स हु विच इज वेल ऑल इक्विप्ड। वेल और इक्विपाइड, यस हाँ, यस यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो क्लिनिक हम करते हैं, तो जो यहाँ से बच्चे जाते हैं वहां अब्रॉड जाके, तो कितना टाइम लगेगा उनको खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस ओपन करने में? प्राइवेट प्रैक्टिस ओपन करने में तो बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्रॉड में जाने के बाद वो जनरली कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डेंटिस्ट डेंटल की जो लाइक यू कैन से प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके वहाँ एज ए ट्रेनी और जूनियर काम करते हैं, ओके बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना बहुत उनके पास होता नहीं है, हाँ बिकॉज वहाँ पे डॉलर में इन्वेस्ट करना पड़ता है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी तो पेशेंट्स आपके वहाँ आएगा ही नहीं। तो आई थिंक मैंने देखा है कि एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई थी, दे हैव स्टार्टेड द क्लिनिक आफ्टर हैविंग अ 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक हॉस्पिटल ऑल्सो इन ओके क्लिनिक। तो उसके बाद उन्होंने 15 बरस के बाद प्लानिंग किया खुद का ओपन करने के लिए, बिकॉज वहां पे क्या है कि रेफरेंस बनना भी बहुत जरूरी है। इधर हमारे वहां रेफरेंस तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन वहां पे रेफरेंस नहीं बनते, बिकॉज डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर, ऐसा है। तो मीन्स 15 आई थिंक 10 या 15 साल के बाद यू कैन ओपन अप योर ओन क्लिनिक, और उसमें पैसा भी बहुत लगता है, जैसे अपने में टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है, वहां पे भी इतना सारा पैसा टेक्नोलॉजी में है। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है इंडिया में एक क्लिनिक के अंदर अप्रोक्सीमेटली? अगर बेसिक टेक्नोलॉजी हम गिने, तो 22-30 लाख का आपका इनिशियल ओके इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम योर स्पेस एंड ओके अदर कॉस्ट। और अगर एक हाईली एडवांस सेंटर आप बनाना चाहते हो, तो अराउंड 1.3-1.4 CR जैसा आपका कॉस्ट लग जाएगा। ओके फाइन ग्रेट। तो मैं अभी देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट एब्रॉड जाना चाहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हमको पूछते हैं और मैं भी पूछता हूँ कि आपने जाने से पहले आपका बॉडी चेकअप करवाया? तो बोले हाँ करवा लिया, यू हैव टेकन प्रिकॉशंस, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन होता है कि आपने डेंटल चेकअप करवाया? तो कि नहीं सर वो नहीं करवाया। तो कितना जरूरी है डेंटल चेकअप जब आप एब्रॉड जाते हो, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। डेंटल चेकअप, क्योंकि अर्ली साइंस जब होते हैं ना, अर्ली प्रॉब्लम्स होते हैं, तब कोई सिम्टम्स नहीं होते आपको, ना यस पेन होगा, ना सेंसिटिविटी होगी, आपको शायद फूड लॉजमेंट होता होगा, या कभी कभी ब्रश करने पे ब्लीडिंग होता ब्लीडिंग होगा। होता तो होगा, अगर यहाँ से जाते पहले डेंटल चेकअप मस्ट है, आई यस चेकअप जैसे कराते हैं हम, हाँ तो वैसे ही डेंटल चेकअप भी आपको every 6 months पे, आप यहाँ हो अब्रॉड हो, every 6 to 8 months एक रूटीन डेंटल चेकअप इज मैंडेटरी। स्पेशली इट बिकम्स मोर क्रूशियल व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, बिकॉज वहां पे एक तो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत बहुत महंगे महंगे हैं, है, यस, समटाइम्स आपके स्टूडेंट जो मेडिकल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस नहीं लेते हैं इंक्लूड उसमें कवर्ड नहीं नहीं होता होते, है, यस यस और यस, उस टाइम पे उनको वैसे भी फाइनेंशियल क्रंच फाइनल होता क्रंच है, होता है, यस यस और यस बहुत दूर दूर होता है होता जहाँ है, पे भी क्लिनिक उनका है, या हाँ ट्रीटमेंट्स कभी कभी अपॉइंटमेंट में लंबे टाइम होते हैं। लगता है, यस यस तो यहाँ से जाने के पहले अगर आप डेंटल चेकअप करवा रहे हो, तो अर्ली स्टेज पे आपके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा राइट। सकता तो है। मैं तो बोलता हूँ मस्ट है कि आप मीन्स आप बॉडी चेकअप करवाओ, मीन्स चेस्ट का एक्सरे ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आपको डेंटल चेकअप तो करवाना ही है, बिकॉज मैं बोलूँ ना कि एब्रॉड के अंदर डेंटल चेकअप का और डेंटल की कोई भी डिसीज होगी ना, तो इट्स कॉस्ट यू लाइक अ हेल, आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, और मैंने देखा है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है। हाँ तो जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उनको एक नॉर्मल डेंटल चेकअप करके ही जाना है। और अभी मैम एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था जो यूएस जाने यूएस का वीजा आ गया, लेकिन अभी उनके पेरेंट्स मेरे को मिलने के लिए आए कि सर इसको ब्रेसिस की है, तो लेकिन ब्रेसिस के लिए बोले ट्रीटमेंट हमको दर 3-4 महीने में कुछ होता है, तो बोले कि उसको 6 महीने बाद वापिस आना पड़ेगा, तो लाइक उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी, तो हम व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस? तो मैंने बोला भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हाँ मैम का रेफरेंस दे सकता हूँ, तो व्हाट यू कैन सजेस्ट? तो ब्रेसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें एटलीस्ट महीने में एक बार तो आपको डॉक्टर को विजिट करना ही पड़ेगा, वायर्स चेंज करने के लिए या ब्रैकेट्स के यस लिए, तो उसमें इन ऑफिस विजिट ज्यादा हो जाते हैं। राइट तो बिकॉज ये ट्रीटमेंट लंबा है, तो और आपको पता है कि आपका जाना है after 6 months या 8 months, तो आप ब्रेसिस निकलवा के अपने आप को क्लियर अलाइनर्स पे एक तो शिफ्ट कर सकते हैं, ओके और अगर पहले से ही आप आपका पता है, आपका प्लान्ड है कि आपको 6-8 months के बाद जाना ही है, तो आप शुरू से ही अलाइनर्स पे जा सकते हो, बिकॉज ओके अलाइनर इज रिमूवेबल ट्रांसपेरेंट, आप खुद ही उसको पहन सकते हो। नंबर ऑफ विजिट्स टू द डेंटिस्ट ऑफिस इज कंपेरेटिवली वेरी फ्यू, एंड ओके समटाइम्स वी पुट देम ऑन वर्चुअल ऐप, जहाँ पे ओके every 2 to 3 months हम उनके साथ वर्चुअल कंसल्ट करते हैं, ओके एंड हम उनको गाइड करते हैं कि आप अलाइनर्स को ऐसे पहनो या कुछ भी, राइट उसमें मॉनिटरिंग की राइट जरूरत है।
और वो ट्रीटमेंट यहाँ पे काफी अफोर्डेबल है. राइट तो अगर यही चीज वहां जाके वो प्लान करेंगे करने का तो फाइनेंशियली उनपे काफी बर्डन. या क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा था कि जिसको वो ब्रेसेस पहन के गया था, फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे उनको अपॉइंटमेंट लेने के $150 पे करने पड़े. उसके बाद उसका डायग्नोसिस करवाया, सब कुछ करवाया, तो ही पेड लाइक $2,500+ फॉर दिस होल थिंग. तो बहुत कॉस्टली है अब्रॉड के अंदर. तो मैम इसके एक और क्वेश्चन होता है कि जो लोग अभी वहां पे है ब्रेसेस के साथ है, समझो कि वो इंडिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि वो निकाल के आप जो नई टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं अलाइनर्स, जो आप नई टेक्नोलॉजी बोल रहे हो अलाइनर्स, वो डाल के जा सकते हैं वापस? आराम से जा सकते हैं. तो जब हम ब्रेसेस को रिमूव करते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज वी टेक वन 3D स्कैन ऑफ देयर करंट डेंटल डेंटिशन और थोड़े रिकॉर्ड्स लेते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं और उनका एक्सरे लेते हैं. देन अराउंड 15-20 डेज में उनके अलाइनर्स यहाँ आ जाते हैं. Okay. तो अगर वो यहाँ पे 20 डेज तक स्टे करने वाले हैं तो आराम से वो अपने अलाइनर्स को लेके जा सकते हैं और वहां जाके वो एवरी 3 मंथ हमारे साथ वर्चुअली कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, तो फिर उसमें इतनी फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं होगी. हाँ, तो ये बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग बट पीपल हु आर अडल्ट्स हु डोंट वांट ब्रेसेस और बहुत बिजी है या ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ बहुत लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्माइल. तो उनके लिए अलाइनर्स एक बहुत सिंपल तरीका है अपने दांतों को अलाइन करने का, क्योंकि वो दिखता नहीं है. यस और कंफर्टेबल होता है, यू कैन ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट. तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, नंबर ऑफ विजिट्स कम है, सो इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनिएंट. तो मैम उसका पॉजिटिव साइड हो गया, व्हाट विल बी द नेगेटिव साइड? उसका कुछ नेगेटिव साइड है? अभी भी इंडिया में ऐसा है कि ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर के कॉस्ट में डिफरेंस है. कॉस्ट डिफरेंस है, लेकिन एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी? So it's a local treatment, right? Okay. We are not going systemic. जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, वैसे हम अलाइनर्स को पहनते हैं. अच्छा. तो वो ट्रांसपेरेंट रिमूवेबल ट्रेज आती है. अच्छा. तो इसमें ना कोई एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा. तो वैसे बहुत पेनलेस है. जस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू अलाइनर यू आर गोइंग टू फील अ लिटिल टाइटर. सेकंड डे से यू आर गोइंग टू बी नॉर्मल. जैसे मान लो आपके 20 सेट्स का ट्रीटमेंट है, तो एक सेट आप एक वीक पहनोगे, 20 सेट्स के बाद 20 वीक्स के बाद आपका ट्रीटमेंट खत्म. Then you are put on retainers. Okay. जो अभी अचीव किया है हमने रिजल्ट, उसको रिटेन करके रखेगा. Right. तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है? नहीं, कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं होने वाला, और वो दिखने कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने, कोई साइड इफेक्ट नहीं. बस इतना है कि आपको उसको पहनना है. पहनना है. यू हैव टू गिव योर कॉम्प्लायंस बिकॉज इट्स अ रिमूवेबल थिंग, यू हैव टू वेयर इट रेगुलरली. अभी रिसेंटली एक बड़ी फैमिली की वेडिंग हुई, मींस अंबानी जी के वहां पे वेडिंग हुई, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और स्माइल मेकओवर, तो लाइक उसके अंदर लाइक उन्होंने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए. और मैंने उसके बाद थोड़ा ज्यादा रिसर्च किया कि सेलिब्रिटी भी करवा रहे हैं, और मैंने और अभी देखा है कि ट्रेंड है कि मैरिज के अंदर लोग ये मीन्स क्या बोलते हैं कि मैरिज के अंदर भी ये स्माइल मेकओवर और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करवा रहे हैं. तो ये है क्या? मेरे को वो पता नहीं चला, व्हाट इज दिस? क्योंकि स्माइल ऐसी चीज है जिसपे फिल्टर्स नहीं लगने वाले. हाँ. तो स्माइल इज द ओनली थिंग ऑन योर फेस जो फिल्टर चेंज नहीं कर पाएगा, है ना. अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या चिप्ड ऑफ है या शेप साइज ठीक नहीं है या दांतों के बीच में गैप्स हैं, तो स्माइल मेकओवर आप ऑप्ट कर सकते हैं. अभी क्या है कि इतने हाई रिजोल्यूशन कैमराज हैं और लोग कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग टाइम्स. और अंबानी फैमिली इसलिए फेमस हो गया बिकॉज वो ऑलरेडी फेमस है. तो जितने भी हम हॉलीवुड स्माइल्स बॉलीवुड स्माइल्स हम देख रहे हैं, ये सारे स्माइल मेकओवर्स ही हैं. ये आइदर अलाइनर से किए गए हैं या वीनियर से किए गए हैं. तो जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्माइल मेकओवर कर सकते हैं. ओके, तो आई थिंक ये पहले से चल रहा था, और मींस अंबानी फैमिली में वो आर्टिकल आने के बाद पॉपुलर हुआ. नहीं, वो ये बहुत नॉर्मल लोग भी करा रहे हैं. अच्छा. तो पर बिकॉज ये अंबानी वेडिंग थी, तो हर कोई जिसने भी अंबानी वेडिंग में जो भी किया है वो सब कुछ फेमस हुआ है. फेमस हुआ है. हाँ, सही बात. स्माइल मेकओवर भी फेमस हो गया है, क्योंकि सबने नोटिस किया कि सबके स्माइल्स इतने अच्छे लग रहे हैं. राइट. तो वैसे है. तो आई थिंक अंबानी फैमिली की वजह से डेंटिस्ट इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा फायदा हो गया. हाँ, क्योंकि जितने भी हम ऑन स्क्रीन स्माइल्स देखते हैं वो सारे स्माइल मेकओवर्स. तो अब मेरे को टेंटेटिव कॉस्ट बता दो कि व्हाट विल बी द टोटल टेंटेटिव कॉस्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, कितना लगेगा स्माइल मेकओवर में? तो स्माइल मेकओवर में आप आइदर ब्रेसेस करा सकते हैं, अलाइनर्स करा सकते हैं, आप अच्छे क्वालिटी के वीनियर्स करा सकते हैं जो बहुत ज्यादा नेचुरल लुकिंग है. मान लो आपके कोई दांत मिसिंग है, तो आप परमानेंट इम्प्लांट्स करा सकते हैं या जिर्कोनिया क्राउन्स करा सकते हैं. जो सेरेमिक के दांत हैं
जो दिखते एकदम नेचुरल दांत के साथ है और आपके खुद के दांत से बहुत अच्छे से उसका शेड मैचिंग भी कर सकते हैं। तो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, उनको पता नहीं पड़ेगा कि ये आपके आर्टिफिशियल टीथ हैं। तो स्माइल मेकओवर, अगर आप अलाइनर, अच्छी कंपनी के अलाइनर्स अगर आप कराते हैं, तो आपके मान लो ऑन एवरेज 1.5 लाख का खर्चा आपका बैठ बैठ जाएगा। जाएगा। अगर आप ब्रेसेस कराते हो इंडिया में, तो अराउंड 45,000 से 1,10,000 तक का आपका ब्रेसेस का खर्चा आएगा। अगर आप वीनियर्स कराते हो, तो आप कितने वीनियर्स करा रहे हो? आप मिड लाइन से 1 एंड 1, 2 एंड 2, 3 एंड, क्योंकि वीनियर हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। दोनों तरफ आप करा रहे हो तो वो और अच्छा लगेगा। राइट आप 6 करा रहे हो, 8 करा रहे हो, 10 करा रहे हो, उसके हिसाब से आपका खर्चा आएगा। बट आप एवरेज कॉस्ट पकड़ सकते हैं, 1 से 4 लाख के बीच में आपका कॉस्ट अच्छा, बैठेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 4 लाख रुपए आपको हाँ, स्पेंड करना पड़ेगा टू डू अ अगर आपको स्माइल मेकओवर, कंप्लीट स्माइल मेकओवर कंप्लीट चाहिए। स्माइल मेकओवर। तो हाँ मैं जी, वो टेम्परेरी रहेगा कि फिर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा या परमानेंट रहेगा? नहीं, ये परमानेंट रहेगा। जैसे अगर अच्छा आप अलाइनर्स करा रहे हो, अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हाँ दांतों के बीच में गैप्स हैं, तो अलाइनर ट्रीटमेंट के बाद आपको रिटेनर्स पहनने बहुत जरूरी है, ओके कि जो हमने करेक्शन अचीव कर लिया उसको मेंटेन भी तो करना है ना। यस यस तो डेफिनेटली रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस आपको करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आफ्टर गेटिंग ऑल दिस ऑल ट्रीटमेंट्स दिस डन, जर्नी क्योंकि हेल्थ ओके भी तो अच्छा है यस करना है। डेफिनेटली एस्थेटिक्स यस हो गया, फंक्शनल हार्मोनी फंक्शनल बैलेंस नहीं हुआ, तो राइट फिर राइट मतलब क्या मतलब ही है। बन गया। और अगर आप वीनियस करा रहे हो, तो और आपको कोई टबैको च्यूइंग या सुपारी का सेवन, आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये सब चीजें वैसे नॉर्मल दांतों को भी खराब कर खराब देती है। करती है यस तो यस अगर यस ऐसा कुछ करा है, तो उसको और खराब और करेगी। खराब करेगी। तो राइट राइट ओरल राइट हाइजीन मेंटेनेंस और बैड हैबिट्स से आपको दूर रहना जो। है। तो मैम आपने बहुत सारी बात की कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और स्माइल मेकओवर, तो इंडिया में किसी को परसू करना है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री तो वो कैसे परसू करेगा? तो कैन यू गिव सम आइडिया कि कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीडीएस किया है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर पाथ, वो कैसे परसू करेंगे? बीडीएस करने के बाद आपको आइदर एमडीएस इन ऑर्थोडॉन्टिक्स करना है। एक बार अगर आपने एमडीएस इन ऑर्थोडॉन्टिक्स कर लिया, तो आप ब्रेसेस कर सकते हैं, आप क्लियर अलाइनर्स कर सकते हैं। और अच्छे डेंटल वीनियर्स करने के लिए आपको एमडीएस प्रोस्टोडॉन्टिक्स करना जरूरी है, क्योंकि उसमें नॉलेज मिलता है प्रोस्टो के बारे में, राइट साइज, शेप, शेड के बारे में। और अगर आपको इम्प्लांट्स के तरफ आपका मन बन रहा है, तो आप आइदर एमडीएस पेरियोडॉन्टिक्स कर सकते हैं या एमडीएस ओरल सर्जरी कर सकते हैं। तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा मीन्स है। ये सारी मीन्स ये जो भी आपने फील्ड बताई वो करने के बाद आप स्माइल मेकओवर में और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आगे बढ़ आगे सकते हो। बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जिनको डेंटल प्रैक्टिस करनी है अब्रॉड में, तो उनको आफ्टर 12th जाना चाहिए कि आफ्टर उनका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद जाना चाहिए? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि आफ्टर 12th के बाद इंडिया में पीसीबी करने के बाद आपको एब्रॉड जाना है, तो फर्स्ट देखना है कि कॉस्ट, बिकॉज वहां पे आपको मिनिमम 4 बरस करने पड़ेंगे बैचलर के अंदर, और वो भी हेल्थ केयर के अंदर ले लो या कोई भी बायोलॉजी प्रोग्राम के ले लो, बिकॉज इंडिया के अंदर कैसा है कि 12th के बाद नीट देने के बाद एंट्रेंस के बाद आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि एमबीबीएस करना है या एमडी डेंटिस्ट करना है। एब्रॉड में कैसा है कि 12th करने के बाद आपको 4 इयर्स बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। तो जो इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं ना वो 12th के बाद कम जाते हैं, बिकॉज वहां पे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका कॉस्ट 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ का हो जाएगा एज एजुकेशन का, और उसके बाद आपको लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और आप अकेले हो तो इट इज वेरी अच्छा। डिफिकल्ट, क्योंकि हाँ आपको पता है मेडिकल इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो मेडिकल के अंदर लाइसेंस एग्जाम खुद से करनी, खाना पीना रहना सब कुछ खुद से करके सक्सेसफुल होना थोड़ा डिफिकल्ट और है। शायद उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती यस है, तुरंत 12th के बाद यस इतने तो पेरेंट्स की भी इतनी यस रेडीनेस नहीं होती है। यस तो अभी पेरेंट्स वो भी सोच रहे कि इतना मैच्योर नहीं है तो कौन टेक केयर करेगा, तो हाँ दैट्स ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि 12th के बाद मेडिकल करने का प्लानिंग नहीं कर पाते बिकॉज हाँ ऑफ दिस रीजन। तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप बीडीएस इधर आपने डेंटिस्ट किया है ना, तो बैचलर ऑफ डेंटिस्ट करने के बाद आप एब्रॉड जा सकते हो, बिकॉज एट द टाइम यू आर मैच्योर और आपको इतना कॉस्ट भी नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेटली आप 40 लाख के अंदर आप मास्टर कर पाओगे और फिर लाइसेंस एग्जाम देके यू कैन प्रैक्टिस। अच्छा, तो वो जो 40 लाख से आपने बोला, वो दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि जस्ट द ट्यूशन फीस? मीन्स इज द ट्यूशन फी और एकोमोडेशन भी आ जाता है, और हर एक कंट्री के अंदर ये कॉस्ट वेरिएबल है। तो यूएस की बात करें कि यूएस में ऐसी यूनिवर्सिटीज है कि जिसकी कॉस्ट 20 लाख भी आती है 2 साल की, और 40 लाख भी आती है और 80 लाख भी आती है। जब अच्छा, कनाडा की बात करें तो वो 50 लाख भी आती है और 40 लाख भी आती है। हर एक कंट्री में कॉस्ट अलग अलग रहती है। तो ये जो स्टूडेंट लोन्स इन ये बच्चे जो लेते हैं, तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है? वो मेडिकल के लिए कुछ अलग रहता है कि सबके लिए सेम नहीं, है? मेडिकल के लिए भी लोन प्रोसेस सेम है। बहुत हाँ सारी अभी कंपनी ऐसी है कि जो लोन प्रोवाइड कर रही है, और आई थिंक 50 लाख 60 लाख
भी प्रोवाइड करती है लोन के अंदर, और मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे हैं ना जिन्होंने 6 महीने में लोन पे कर दिए आफ्टर बिकम लाइसेंस डॉक्टर और लाइसेंस डेंटिस्ट ओवर देयर। अच्छा, तो इतनी सारी कमाई है वहां पे। ओके, तो उनको ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है कि उनको जॉब्स ढूंढने जाने पड़े? नहीं, क्योंकि ये देखो कि ये एक नोबल नोबल प्रोफेशन है, तो आपको इंटर्नशिप जब मिलती है वहां पे भी इंटर्नशिप कंसेप्ट है कि आपको पेशेंट को टच करना पड़ता है, पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, आपको डॉक्टर को शेडो करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपना लाइसेंस एग्जाम करके आप पास आउट हो जाओगे, आपको डेफिनेटली कोई भी कंपनी मीन्स कोई भी अस्पताल है या प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर आपको ऑटोमेटिकली ले लेंगे, बिकॉज आपका नेटवर्क ऑलरेडी बन गया है। तो हाँ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, वहां पे जॉब हंटिंग नहीं होती है। हाँ बिकॉज मेडिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको समझो कि वहां पे अस्पताल के अंदर ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाँ डेंटिस्ट की प्रैक्टिस अस्पताल में करोगे तो मे बी अस्पताल ही आपको ले लेगा हाँ और फ्यूचर में। ये बहुत सही बात आपने बताई कि वो शायद इंडिया में भी यही चीज है कि यस हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पियर्स के साथ में हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनना, हमारे मेंटोर्स के साथ यस हमारा कंफर्ट आना, यस वो एक नेटवर्किंग का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ भी है वहां भी है, वो तो तो डेफिनेटली वो है। उससे तो फायदा होता है। बेसिकली ये मेडिकल ऐसी फील्ड है ना, ऐसी फील्ड है ना मैम कि जहां पे आपको लाइफ में कभी जॉब हंटिंग करनी नहीं पड़ेगी, और आपको कभी अपना रेज्यूमे भी नहीं बनाना पड़ेगा कि मेरे को जॉब दे दो। और आई थिंक मैंने ऐसा भी देखा है कि एम्प्लॉयबिलिटी भी 100% ही है। लाइक इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लाइक हमको इंजीनियर है तो रेज्यूम लेके जाना पड़ता है, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक मेडिकल ऐसी फील्ड में जहाँ पे सामने से लोग जॉब देने के लिए आते हैं। हाँ, गुजरातियों के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें बीडीएस करके वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए? तो मैं आपको उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यू सबसे ज्यादा लोग इंडिया से कहाँ जा रहे हैं? यूएस? यस, तो वही आपका आंसर है कि यूएस के अंदर सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं इंडिया से, स्पेसिफिकली फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग बीडीएस। यूएस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और बहुत सारे स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं, और लाइक दे आर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, करोड़ करोड़ों से भी ज्यादा सैलरी वो कमा पा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली गुजरात के लिए, तो गुजरात में ये ट्रेंड अभी आ गया है कि इंडिया में एमबीबीएस या बीडीएस करने के बाद एब्रॉड डेफिनेटली प्लान करते हैं और वहां पे भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, तो और गुजरातियों के वहां जाके क्या चैलेंजेस आते हैं, जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, या क्या क्या ऐसी तैयारियां कर सकते हैं वहां जाके उनकी लाइफ इजी हो जाए? तो देखो, पहले तो पहले आप डॉक्टर हो तो आपकी लाइफ हार्ड है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। आप ऐसा सोचोगे कि अब्रॉड जाके अंदर आप इंजॉय करोगे जैसे मेरे अदर फ्रेंड्स इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको 4 बरस कंप्लीट मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो माइंडसेट लेके आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि इंडिया में आप डॉक्टर हो, यू आर कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड डॉक्टर, बट जब आप यूएस में जाओगे, जब तक आपके पास लाइसेंस एग्जाम कंप्लीट नहीं किया है, यू कैन नॉट टेल योर सेल्फ यू आर अ डॉक्टर। तो ये थोड़ा बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर इंडिया में तो हम डॉक्टर है, हमारी रेप्यूटेशन है, लेकिन वहां पे जाके तो हम कोई हम किसी को बोलते हैं तो कोई सुनते ही नहीं है, राइट? और वहां पे ऐसा है कि लाइसेंस एग्जाम करने के बाद ही आपको पेशेंट को टच करने देंगे, उससे पहले आपको नहीं करने देंगे। तो जिसको हार्डवर्क करना है, जिसको ज्यादा पैसा कमाना है, और जिसको पैशन है लाइफ में आगे बढ़ने का, उसके लिए अब्रॉड एजुकेशन इज द मस्ट, और आपको फ्यूचर सक्सेसफुल हो ही सकता है। तो ये सारी चीज है जो डे टू डे लाइफ में आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो क्या है कि एज अ मैच्योर होके जाओगे तो आपको रूटीन डे टू डे खाना पीना रहना वो आप क्लियर कर पाओगे। वो तो आपने सही बोला कि और एक एक और पॉइंट है इसमें टू ऐड कि मेडिकल साइड जो है वो जैसे आफ्टर देयर एमबीबीएस 5.5 साल का एमबीबीएस करने के बाद उनको 3 साल का मास्टर्स जब मास्टर करते हैं उसको रेजिडेंसी बोलते हैं। रेसिडेंसी बोलते हैं। तो यस रेजिडेंसी प्रोग्राम माने रेसिडेंट, यू आर रेसिडेंट रेसिडेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। यस हॉस्पिटल ही आपका घर है। घर है। और यस ऐसे बहुत आर्टिकल्स है जिसमें डॉक्टर्स का एवरेज लाइफ स्पैन कम हो रहा कम है, हो रहा है, लोगों का आयुष्य बढ़ाने के चक्कर में उनका खुद का आयुष्य कम हो कम रहा हो है रहा है। क्योंकि उनको 36 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूटीज लगते हैं। वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 36 घंटे तक अपना कूल माइंड रख के किसी राइट और को ट्रीट कर रहे हो। राइट उनके डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होते, रात को 2 बजे 3 बजे वो डिनर कर यस रहे होते यस हैं, यस यस न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। तो शायद सिस्टम में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जो लोगों का ध्यान रखते हैं उनके खुद का खुद ध्यान का ध्यान रखने रखने वाले वाला कोई कोई नहीं टाइम है। नहीं है। और हमने देखा है अभी जो बंगाल में जो रिसेंट टू रीसेंट इंसिडेंट न्यूज हुआ में है वो वो था। इतना हार्ट ब्रेकिंग है। यस 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 बिकॉज एज अ वुमन एज अ डॉक्टर आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि जब बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो उसके पीछे सालों की मेहनत सालों होती की है मेहनत पेरेंट्स किया। की। उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता यस है कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, यस तुम्हें यस मेहनत करनी है, उसको प्रिपेयर करते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो देर इज अ बिग प्रॉब्लम बिग विद द प्रॉब्लम है। सिस्टम, यस और यस डॉक्टर्स की हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के सेफ्टी के लिए लिए कोई बहुत अच्छे कड़क रूल्स और रूल्स रेगुलेशन और लाने ही चाहिए, रेगुलेशंस लाने लाने ही चाहिए, और चाहिए। वो भी मैंडेटरी है। यस यस बिकॉज वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर तो
तो बन जाते हो, लेकिन आपके साथ पूरी पूरी फैमिली डॉक्टर बनती है, बिकॉज आपको डॉक्टर बनाने के लिए पूरी फैमिली की कायनात लगी है आपको डॉक्टर बनाने के लिए। करेक्ट, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत है, बट आपकी एब्सेंस में आपके फैमिली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं वो इरिप्लेसेबल है. और ये अभी जो हुआ है अ फीमेल डॉक्टर के साथ, और काफी टाइम सालों से ये चीज चलती आ रही है, बट अभी सिस्टम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी बहुत हो जरूरी गया हो है. गया है। और उसके लिए ना सिर्फ डॉक्टर्स बट उनके फैमिलीज और उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, सबको उनके लिए खड़ा सबको एक होना साथ पड़ेगा. मिलके काम करना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग हमारी सेफ्टी का सोच रहे हैं एज ए ह्यूमन, हमको भी उनकी सेफ्टी का सोचना चाहिए, बिकॉज एट द एंड दे आर द वन, भगवान के बाद उनका ही नंबर आता है।